नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केशव स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो नोबेल पुरस्कार 2022 है, जिसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में इसके नामों की घोषणा की जा चुकी है कि किन लोगों को नोबेल पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। और ये जो वितरित किया जाएगा वो 10 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम ओस्लो में दिया जाएगा। स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट की आविष्कार करी, तो उनका निधन हो गया था 10 दिसंबर 1896 को। उन्हीं के यादों में ये 10 दिसंबर को नोबल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल ने अपने अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने स्वीडन के बैंकों में रख दिया था, और उसके जो इंटरेस्ट स्वरूप जो आता है उसी से ये नोबल पुरस्कार दिया जाता है, जो मानव क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको। और ये 6 क्षेत्रों में टोटल दिया जाता है। तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन में कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है ये भी देख लेते हैं। तो साहित्य में, चिकित्सा में, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये टोटल इतने क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र वाला बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1900 ईस्वी, ये राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके जो डिस्क्रिप्शन में, कि 1900 में तो शुरुआत हुई थी, लेकिन जो दिया गया था वो 1901 में दिया गया था, ठीक है, याद रखना है आपको। 5 क्षेत्रों में दिया गया था, वो 1901 ईस्वी में दिया गया था। और 1968 से जो है ना अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा, नहीं तो इससे पहले 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे के सांसद के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि नॉर्वे के सांसद के द्वारा ये शांति के क्षेत्रों में जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। इन्होंने एक ये अपना एक कमेटी तैयार करते हैं, यही कमेटी ये जो है ना शांति का पुरस्कार प्रदान करने का काम करती है। और बाकी जो भी है, बाकी जो शांति को छोड़ के बाकी जो क्षेत्रों में दिया जाता है वो स्वीडिश अकेडमी के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैसे मिला? तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। एनी अर्नॉक्स, फ्रांसीसी लेखक हैं एनी अर्नॉक्स, इनको मिला साहित्य के क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें नहीं मिला? तो शांति के क्षेत्रों में किन्हें दिया गया? एलिस बियालिस के मेमोरियल जो है, ये रूसी मानवाधिकार संगठन है, इसको, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो ये तीनों को, इन तीनों को मिला के ये जो शांति का इस बार पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो है आधा हिस्सा तो ये एलिस बियालिस की जो है ना बेलारूस के संगठन, इसको मिल गया, बाकी ये इन दोनों को आधा आधा हाफ हाफ करके इनको दिया गया है, ठीक है। बाकी तीनों को मिला, ये याद आपको तीनों रखना है कि तीनों को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो क्यों नहीं मिला? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को मिला, ठीक है। महान जेनेटिक्स वैज्ञानिक जो हैं स्वांते पावो, स्वीडन के हैं, इनको ये चिकित्सा का पुरस्कार मिला है। और ये जेनेटिक वैज्ञानिक हैं, और विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम के बारे में इन्होंने खोज करी, जिनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया चिकित्सा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में इन तीनों लोगों को मिला है। ऊपर के जो तीनों लोग हैं, कैरोलिन रूथ बटोरजी, ठीक है, मॉर्टन पीटर मेल्डल और बैरी सार्प्लेस, ठीक है, अमेरिका के हैं ये, डेनमार्क के और ये अमेरिका के, इन तीनों को मिला है, दिया गया है उपर्युक्त तीनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है इन्हें ये भी इन तीनों लोगों को दिया गया है, एलन एस्पेक्ट्स, जॉन क्लॉसर, एंटोन जेलिंगर, है ना, ऑस्ट्रिया के हैं ये दोनों, ऑस्ट्रिया के हैं, और एलन एस्पेक्ट जो हैं वो फ्रांस के हैं, इन तीनों को मिला गया। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? बेन एस बर्नॉन के, ये अमेरिका के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइव गिव, ऊपर एक तीनों, इन तीनों को मिला है स्टूडेंट, याद रखना है आपको, ये तीनों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ से हमने सारा डिस्कस कर लिया, ये इनको क्यों, ये तीनों अर्थशास्त्री जो है ना इनको क्यों दिया गया है?
तो ये बैंक और वित्तीय संगठनों पर जो है ना शोध कर किया इन्होंने, इसी के क्षेत्र में इनको इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो स्टूडेंट हमने ये पूरा का पूरा नोबेल पुरस्कार कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें केशव स्टडी पॉइंट को, क्योंकि आप